अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आज हम सब ओरियन मॉल में रजिस्ट्रेशन का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च पर जाकर orionmall.com लिखेंगे और वहां से उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहां से आप फर्स्ट वन ऑप्शन पर क्लिक करें और उनकी वेबसाइट पर चले जाएं। यहां से इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। आप रजिस्टर पर क्लिक करें और एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो गया। सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करें, फर्स्ट नेम राइट करें एंड देन सेकंड नेम राइट करके ईमेल एड्रेस आपको पुट करना है। ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और ये सारी डिटेल आपने उस पर्सन की देनी है जिसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। सो ईमेल देने के बाद उनका करेक्टली सेल नंबर या उनका एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें और फिर यहाँ पर आपने रेफरल आईडी देनी है, यानी जिसके रेफरेंस से आप रजिस्टर हो रहे हैं। ये रेफरल आईडी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया। उसके बाद अपना पासवर्ड पुट करें, उसको कंफर्म करें और रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जस्ट आपके पास एक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका रेफरल कोड। अब आप रजिस्टर होने के बाद लॉगिन हो चुके हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे ऊपर आपको ये देखें जी, ये इस तरह से वेबसाइट का व्यू है और यहाँ पर ये आपको वेलकम टू ओरियन मॉल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऐड टू कार्ट करें इसको, ये हमारे कार्ट में ऐड हो चुका। ये एक्चुअली हमारी बेसिक रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि 500 रुपीज़ है। ऊपर आएँ, शॉपिंग कार्ट पर क्लिक करें, आपका शॉपिंग कार्ट ओपन हो गया। आपको शो हो रहा है यहाँ पर कि आपकी फ़ी ऑप्शन, यहाँ पर आई एग्री करके चेकआउट करें। ये एक्चुअली आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की जा रही है कंपनी को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना रेफरल कोड हासिल करने के लिए। अब यहाँ पर बिलिंग के लिए कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आ गई हैं। अदर डिटेल्स को इस तरह से आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, राइटिंग कर लेनी है। आपका कंट्री नेम, आपका प्रोविंस, आपका एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये फ़ी पे करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आप कोई भी कंपनी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप अर्निंग नहीं कर सकते। जब तक आप फ़ी पे नहीं करेंगे आपको रेफरल कोड रिसीव नहीं होगा। यहाँ पर पोस्टल कोड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को अपना सिटी का पोस्टल कोड नहीं मालूम होता, तो उसके लिए गूगल सर्च पर जाएं और वहाँ पर जाकर अपने सिटी का नेम एंड पोस्टल कोड लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल राजनपुर पोस्टल कोड, वो खुद ब खुद आपको शो कर देंगे। वो इनपुट करें और फिर उसको ओके करें, नेक्स्ट करें। शिपिंग मेथड पूछा जा रहा है, TCS या लीपर्ड किसी एक को भी आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करें एंड देन आपको पूछा जा रहा है कि आप अपनी फ़ी किस तरह से पे करेंगे, जैज कैश या इजी पैसा। मैंने जैज कैश को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे कंपनी की तरफ से फुल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं किस तरह से इसको पे कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर सकते हैं। तरीका ये है कि ये नीचे ब्लैक पोर्शन पर आपको एक टील आईडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आप कॉपी कर लेंगे, नोट कर लें। अमाउंट 500 पे करनी है, अकाउंट नंबर के किस अकाउंट से आप पे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अकाउंट टाइटल क्या होगा, किस अकाउंट का टाइटल जिससे आप अपनी फ़ी पे कर रहे हैं। इसके बाद आपने अपनी जैज कैश ऐप की तरफ चले जाना है। जैज कैश ऐप को ओपन करें और यहाँ से आपने नीचे ये जो रेड बटन है स्कैन QR, इसको क्लिक करना है और यहाँ टिल पेमेंट आ जाएगी आपके पास। अब वहाँ से जो आप टिल आईडी नंबर लेकर आए हैं ये सेम ही होता है कंपनी का, ये पुट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, अमाउंट पुट करेंगे और इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ट्रांजैक्शन जब आपकी हो जाएगी और आपके पास एक स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको परफेक्ट टाइम और आपका TID नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उस टाइम को और ये जो सबसे ऊपर TID नंबर है इसको आपने नोट कर लेना है कि किस टाइम पर, 4:12 पर मैंने ये ट्रांजैक्शन की है। ये दोनों चीज़ें आपने अपनी ओरियन मॉल की ऐप में जाकर पुट करनी है। सी, यहाँ पर मेरी अमाउंट ट्रांजैक्ट हो चुकी है फ़ौरन से कंपनी को, मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे हो गई है। अब मैं इसको जाके वेरीफाई करवाऊंगी ट्रांजैक्शन आईडी में, मैं अपना ट्रांजैक्शन आईडी नंबर नोट करूंगी
और नीचे ट्रांजेक्शन डेट मेंशन करूँगी कि किस डेट और टाइम को परफेक्टली मैंने अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र की और नेक्स्ट कर दूँगी। नेक्स्ट करने के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, नीचे आपका एड्रेस और सारी डिटेल्स आ जाएंगी जिस पर्सन की रजिस्ट्रेशन हुई है, और इसको आप कंटिन्यू करेंगे। आपका ऑर्डर नंबर भी नोट कर लिया गया है कंपनी में। अगर आप मज़ीद डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, कंटिन्यू किया मैंने। और अब यहाँ माई अकाउंट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे अकाउंट की डिटेल्स शो हो रही हैं। यहाँ पर सारी डिटेल शो हो रही हैं जो मैंने पुट की थी, मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी, बट अभी मुझे रेफरल कोड नहीं शो हो रहा, माय रेफरेंस आईडी, और कंपनी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करूँ। सो यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विद इन 12 आवर्स आपकी कंपनी में वेरीफ़िकेशन होकर यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी शो हो जाएगा और आप अपनी प्रोसीजर जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट तो आप आज और अभी से कर सकते हैं, बट अपने डाउन में मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन आप अपने रेफरल कोड को हासिल करने के बाद ही शुरू कर सकते हैं, ताकि कंपनी के मज़ीद बिजनेस प्लान से आप फ़ायदा उठा सकें। सो अब नीचे चलकर थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स भी शो हो रही हैं, फ़ोन नंबर, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर में अगर अपना निक नेम लिखना चाहें या कुछ भी तो उसको लिख कर आप सेव करें। अब यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।